स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी क्रोनोलॉजी ना होता है आवाज। आप एक बार निकल के आवाज सही आ रही है, आवाज सही। मीटिंग में से निकल के जाने लगा बेटा। मेरे पास आपको स्क्रीन भी शेयर हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। वाईफाई स्ट्रांग एकदम, बिल्कुल वाईफाई के बिल्कुल करीब बैठा हूं। आप एक बार निकल के जाने जाओ बेटा। मीटिंग आवाज आ रही है। पॉइंट ए लिखिए स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8। सेकेंड पॉइंट लिखिए, यानी बीबीट लिखिए इसके अंदर। स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी लिख लिया आप लोग। यस सर। चलिए एक बार ड्राइंग देख लीजिए। ड्राइंग देख लीजिए जो है, जरा और करिए किस किस्म के स्टेप्स है ये, इसका और एस्टिमेट कैसे करना है एक बार देख लीजिए। ड्राइंग देख लीजिए एक नजर। कैसे जो है कैसे करने का वो देखिए, का प्रॉब्लम करे जपन उससे ये प्रॉब्लम में क्या फर्क है बताइए मेरे को। खबर रजा खान सर जी बताइए, स्टेप्स के फाउंडेशन कितने हैं टोटल? सर 3 है सर। अस्तगफुरुल्लाह। रियाज। यस सर। फाउंडेशंस कितने हैं स्टेप्स के? 12 इमरान। 12 इमरान। यस सर। कितने? 3 है सर। अस्तगफुरुल्लाह। 3-4 महफूज। प्रोटोकॉल 35। पूरे ड्राइंग में फाउंडेशन कितने बार है बेटा महफूज? पूरे ड्राइंग में। ड्राइंग शेयर करो ना, मैं स्क्रीन पे नजर आ रहा हूँ आप लोगों को। फाउंडेशन बताइए, अपन डिस्क्रिप्शन लिख लिया फाउंडेशन। जी सर 6। अस्तगफुरुल्लाह। वसीम सर फाउंडेशन तो एक ही होगा ना सर? फाउंडेशन तो एक ही होगा ना रे बेटा। अल्लाह अल्लाह, क्या कर रहे हैं बेटा बाकी के पूरे बच्चे? ये सर फाउंडेशन देंगे तो सब एक ही रहेगा उसमें। रियाज आप बोल दिए बेटा, लेकिन जब तक हो गया था काम अच्छा, आप मिलिट्री में नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो हो गया था काम अब तक? अरे अलर्ट रहने का है भाई क्लास में। ड्रॉइंग शेयर करा, सब शेयर करा, आंसर सामने है, देख के बोलना है फौरी। आप सोच सोच के बोले तो हो जाता काम।
अब आप डिसाइड कर लो आप कैसे जेई बनने का है, सिर्फ नाम के जेई बनेंगे या काम के जेई बनेंगे, डिसाइड कर लीजिए आप कैसे इंजीनियर बनेंगे। फॉर यू अलर्ट रहना एकदम सर, है तो मुश्किल है फिर कैसे काम चलेगा बोलो भाई। रियाज आपका डिप्लोमा होते जॉब रेडी है आपके वास्ते? हाँ रेडी है। अरे कौन देख के रखे भाई? क्या सर? आपका डिप्लोमा खत्म होते ही आपके लिए जॉब तैयार रेडी है क्या पूछ रहा हूँ मैं? नहीं सर। अच्छा आप क्या लग रहा है पूरे इंडिया में अकेले आप डिप्लोमा कर रहे हैं? नहीं बहुत लोग हैं सर। या ये एक अपने कॉलेज है जहाँ पे पढ़ाई चल रही? नहीं सर बहुत कॉलेज है। नहीं कंपटीशन ज्यादा है? नहीं यस सर चलता है। फिर अब ऐसे रहेगा तो कैसे मिलेंगे जॉब अपने को बोलो? नहीं बाकी सारे लोग पढ़ रहे हैं हर जगह कॉम्पिटिशन है, अपन अगर इंटरेस्ट नहीं पड़ेंगे, अपन अगर जो है अलर्टनेस नहीं दिखाएंगे, अपन जो है अगर सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे इसमें पढ़ाई में तो मुश्किल है फिर अपना सर्वाइव होना। डिग्री तो डिप्लोमा की देंगे लेकिन काम कोई और कुछ दूसरा कुछ काम करते रहते आप फिर तो। इमरान और 35 कितने बेटा फाउंडेशन? 1000। फिर भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज करा आप लोगों को, स्टेप्स के लिए कितने फाउंडेशंस है बोला मैं? फाउंडेशंस आप समझ गए? फाउंडेशंस है बोले तो आप स्टेप्स समझ गए। यस मतलब स्टेप्स अलग है फाउंडेशन अलग है। यस सर। अभी क्लास सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं सबको वीडियो ऑन करो बोलना पड़ेगा मेरे को। भाई डाटा खत्म हो रहा, डाटा नहीं है, सिग्नल नहीं है, बोल तो मैं खामोश हूं मैं। अब नहीं बोलते सबको वीडियो ऑन करो बोलना पड़ता। क्लास सुन रहे हैं ना? सुन रहे बेटा। इमरान महफूज सर। यस सर। देखो देखो बेटा अपनी अपनी ईमानदारी से पढ़ना है। आप पढ़ेंगे आपको नौकरी मिलेंगे, आप कमाएंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे। मेरा कोई जो इसमें क्या है बोलो, मेरा जेई बनने के बाद लाके दे रही कुछ तो हर महीने को तनख्वाह मेरे को थोड़ी सी देते सर बोलो तो फिर मैं और पीछे पड़ जाता हूँ। भाई अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, समझा रहे हैं, पूछ रहे तो जवाब नहीं दे रहे आप लोग। आप लोग की हालत है तो बाकी बच्चों से क्या पूछूंगा। अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। फाउंडेशंस कितने हैं बेटा टोटल? 1 सर। नंबर्स में क्या लिखेंगे? 1 सर। नंबर्स में लिखेंगे 1। चलिए लेंथ में क्या लिखेंगे बताइए? एक सेकंड शायद ड्राइंग चली गया ना अभी। यस सर। फिर दोबारा शेयर कर। अब ये बताइए लेंथ में क्या लिखेंगे? फाउंडेशन की लेंथ में क्या लिखेंगे? ड्राइंग देखिए आप लोगों के सामने है, आप अगर बोले तो मैं जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा। लेंथ में क्या लिखेंगे सर? फाउंडेशन में तो सर सबसे नीचे 2.5 मीटर आ रहा है सर। 2.5 तो स्टेप्स का है। स्टेप्स का जी सर। और ये फाउंडेशन के लिए आप जहन में ये बिठा लीजिए, आप जो चप्पल पहनते या जो शूज पहनते, क्या वो शूज या चप्पल के जो सोल है, जो नीचे वाली जो पट्टी है, क्या वो आपके पैर के बराबर के साइज की रहती है? थोड़ा सा आगे थोड़ा आगे रहता है। तो 2.5 में अगर आप दोनों तरफ 0.15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा सर। 2.8 में जाएगा जी सर। 2.8 हो जाएगा। जो बच्चों को डाउट आ रहा कि भाई सर ये कैलकुलेशन याद कैसे रखना है, तो वो लोग क्या करिए डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में ऐसे लिख लीजिए, टोटल क्वांटिटी वाले कॉलम के बाद में और एक कॉलम बनाइए रिमार्क्स वाला कॉलम, उसमें आप लिख लीजिए, समझे?
डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में लिखिए या रिमार्क्स वाले कॉलम में लिख लीजिए आप डिटेल में, अगर आपको डाउट आ रहा है सर कैसे याद रखेंगे ये कैलकुलेशन कहाँ से आकर। चलिए लेंथ में 2.8 आ गया, विड्थ में क्या आएगा कौन बताएंगे मेरे को? विड्थ में क्या आएगा? लेंथ में तो 2.8 आ गया, ये 2.8 आ गया लेंथ, अभी विड्थ में क्या आएगा बताइए। जितना ब्रीथ होगा उसमें 0.15 ऐड करेंगे। हाँ बताइए टोटल, बताइए टोटल विड्थ कितनी आएगी बताइए। 0.45। विड्थ विड्थ देखिए लेंथ बोले तो हम लोग जो है ये 2.5 में 0.15 जोड़ ली, विड्थ क्या आएगी इसकी फाउंडेशन की? हम ये डॉटेड लाइन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं फिलहाल अभी, ये डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन का अपन एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। डॉटेड लाइन की लेंथ बता दिए, डॉटेड लाइन की विड्थ बताओ बेटा, कैलकुलेशन जूम करके दिखा रहा हूं और कैसे आपको हिट दो बोलो। सर 0.9 प्लस 0.15। हां 0.9 कैसा है बताइए, तीनों स्टेप करना 0.3 मीटर 0.3 मीटर तीनों को जो ऐड करेंगे हां उसमें 0.15 जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा विड्थ होगा। तो ये जो विड्थ वाला है ये चीज क्या है, नीचे वाला फाउंडेशन का जो है मैट है जो आप बिछाने का है जो आप डालने का है, पहले फाउंडेशन डालेंगे उसके ऊपर स्टेप डालेंगे ना। यस सर। तो फाउंडेशन की लेंथ आपकी क्या आ गई 2.5 में दो बार 0.15 जोड़ दिए और विड्थ क्या आ गई आपको 0.3 तीन बार है प्लस 0.15। यस सर। तो टोटल विड्थ कितनी होगी बताइए। 0.95। गुड 0.95 लिखिए विड्थ में। चलो भाई थिकनेस कौन बताएंगे फाउंडेशन की, फाउंडेशन की थिकनेस क्या है? 0.15। थिकनेस सर 0.15 दिया सर, स्टेप्स की मोटाई 0.15 दिया हुआ है। ठीक है थिकनेस में 0.15 लिख लीजिए। वसीम जी सर जरा 0.95 कैसा है जरा बता दो। माइनस करेंगे सर जो वाल से जो आगे है सर उसका माइनस करेंगे, इसलिए कि वो वाल से टच नहीं है सर वो वाला फिगर में। जी जी तो वही माइनस करेंगे सेम यही कैलकुलेशन लिखना है आपको 0.95 के लिए, ये सेम यही कैलकुलेशन लिखने का है 0.3 प्लस 0.3 स्टेप्स का हो गया प्लस 0.15 एक्सटेंशन हो गया जो आगे निकल के है, माइनस 0.1 क्यों करें अपन यहाँ पे सर? दीवार से हट गया सर, दीवार से हट गया वो सर। 0.3 प्लस 0.15 माइनस 0.1 क्यों करें? ये प्रोजेक्शन के लिए करें अपन, एक्स्ट्रा वाले के लिए करें। ठीक है आप लोग बच्चे गुड, अपने शाहूद समझ में आया 13 जी? यस सर। चलिए थिकनेस भी बता दिया आप मेरे को, टोटल करके जरा क्वांटिटी बताइए आप लोग, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है बताइए। आप लिखते कौन से हाथ से बोले अभी, राइट हैंड से लिखते बोले, लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है आपका? लेफ्ट हैंड पे कैलकुलेटर रखना, राइट हैंड पे पेन रखना, दोनों हाथों से काम करना तो अच्छे इंजीनियर बनते, नहीं तो टाइम पास के बेकार इंजीनियर बनते। आप लोग के पीछे जो मेहनत कर रहे हैं ना इतनी तराशने की कोशिश हो रही पूरी, समझे ना, अच्छे इंजीनियर बनिए, नाम रोशन करिए, पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, ठीक है ना जी सर। आपके पीछे टाइम पास नहीं कर रहे बेटा, आपके पीछे पूरी कोशिश हो रही है आपको अच्छा इंजीनियर बनाने की, तो आप लोग मुंह खोलेंगे तो खाली खाना डालेंगे ना मुंह में, अब खाना नहीं पकड़ लेके बैठे हुए हम सामने, मुंह खोलेंगे नहीं बोल रहे आप लोग, कैसा खिलाएंगे बोलो
चलो सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखो, सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखिए। देखिए स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी, सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखा रहा हूं बेटा मैं, स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी, 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 सीएम 1:6 में, स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी, सीएम 1:6 में, स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी, सीएम 1:6 में, सीएम 1:6 में। एक बार इधर देखो बेटा आप लोग, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन होने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वो वाला डिस्क्रिप्शन क्लोज कर दीजिए, यानी ये लाइन ड्रॉ करने का ये मतलब हुआ कि वो आइटम में, वो चीज में, वो डिस्क्रिप्शन में और कुछ ऐड होने वाला नहीं है। अगर आप वो लाइन क्लोज नहीं करेंगे तो ये मतलब होगा कि बाद में फ्यूचर में कुछ और ऐड करना है उसके अंदर। लाइन नजर आ रही बेटा आप लोगों को? जी सर। जी क्लोज कर दीजिए उसको, फर्स्ट वाला डिस्क्रिप्शन होने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फर्स्ट वाला डिस्क्रिप्शन क्लोज कर दीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेम लिखिए, बॉटम स्टेप, मिडिल स्टेप, टॉप स्टेप करके, बॉटम स्टेप, मिडिल स्टेप, टॉप स्टेप करके लिखिए। सेम बॉटम स्टेप, मिडिल स्टेप, टॉप स्टेप करके लिखिए। चलिए रोल नंबर 31। जी ये बॉटम स्टेप, मिडिल स्टेप, टॉप स्टेप, एक एक स्टेप कितने बार है बेटा टोटल? तीन बार। एक ही बार है ना, तो 111 लिख लीजिए उसमें। जी लेंथ में आएंगे अपन, जरा लेंथ बताइए, बॉटम स्टेप की लेंथ क्या है बताइए जरा। 2.5। मिडिल स्टेप की लेंथ कितनी है, जोर से बोलिए जरा, ऊंचा बोलिए। 1.9 मीटर। सर आवाज बहुत कट रहा है सर आपका। जी टॉप स्टेप की लेंथ बताइए, टॉप स्टेप की लेंथ बताइए। 1.3 मीटर। गुड, तो आप पूरे लेंथ बता दिए माशाल्लाह से। अब आप विड्थ बताइए, विड्थ के लिए यहाँ देखना पड़ेगा आपको। सबकी सेम ब्रीथ है सर, 0.3 मीटर। बॉटम की विड्थ क्या है? 0.9 मीटर सर। कैसे आया टोटल, मतलब सर टोटल तीनों को ऐड करके सर? क्या ऐड करेंगे बताइए खुल के। टॉप स्टेप और मिडिल स्टेप को ब्रेथ को ऐड करेंगे। वैसे नहीं बेटा, मेजरमेंट बता दीजिए ना, 0.3 जोड़ेंगे तो बॉटम स्टेप की विड्थ आएगी। ऐसे बताइए ताकि बाकी के दूसरे बच्चों को क्लियर हो जाए, ठीक है? मिडिल स्टेप की विड्थ बताइए। मिडिल स्टेप 0.3 मीटर प्लस 0.3 मीटर कितना होगा? 0.6 मीटर। टॉप स्टेप की विड्थ बताइए। सारे स्टेप्स के लिए 0.15 है ना? यस। गुड, चलिए टोटल करिए, टोटल करिए बताइए मेरे। डेप्थ नहीं बेटा, पूरा कैलकुलेशन तो आप बता दिए ना, बुक में लिखिए, कैलकुलेट करिए, करके बताइए मेरे को, ठीक है?
सर 0.56 नहीं आ रहा है। 0.569 टोटल सर। 0.569 टोटल सही है। टोटल क्वांटिटी में क्या कर लीजिए इसको, 0.57 कर लीजिए। 57 यस सर। हाँ सर थोड़ा समझा देगा, नहीं समझे सर। सर थोड़ा फ्रंट में स्लाइड करके साइड वाला। बेटा मैं कैसे समझाऊं, बोलो मैं तो समझा ही नहीं ना। समझाया तो 31 समझाया ना भाई, आपकी क्लास का ही बच्चा समझाया ना, मैं कहाँ समझाया भाई। मैं तो सवाल पूछते क्या खाली उनसे, क्लास के दूसरे बच्चे समझ रहे हैं और आप नहीं समझो तो मैं क्या करूँ, बोलो। आप या तो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं नहीं, या तो आपका ध्यान कहीं और है। फिर आप समझे आपको एक एक स्टेप की विड़ लिखी हुई है। नीचे वाली स्टेप 0.3 है, 0.6 हो जाएगा तो आपकी सिर्फ 0.3 है। यस सर 0.3 जी सर। टॉप 31 समझ, 31 टॉप स्टेप का सर डेप्थ 0.3, विड्थ 0.3 है, डेप्थ 0.15। यस सर भाई ठीक है सर। चलिए 15 क्या नहीं समझ में आपको बताइए। तो डेप्थ जो मेजर करते हैं वो तीनों स्टेप का लेंगे सर, तीनों को जोड़ेंगे ना सर। डेप्थ एक स्टेप का लेंगे ना बेटा, तीनों का क्यों लेंगे, एक ही स्टेप का लेना जैसे 0.15 है। हाँ देखो भाई पिछले प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे आप, मैं वही तो बोल रहा ना भाई, आपका ध्यान कहाँ है वही तो पूछ रहा हूँ आपको। पिछले प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे हम लोग, आप पिछले प्रॉब्लम के नोट्स नहीं बनाए सर। नहीं बनाए, बनाए नोट्स पिछले प्रॉब्लम के। नहीं बना तो कहाँ से समझ में आएगा, बोलो आपको सर। बीच में है बोलो, मिस हो गया तो छोड़ दिए सर। कैसे छोड़ देते बोलो बेटा, दावत में गए आप छोड़ देते, सिक्स नहीं खाने गए, वो ये नहीं खाया, मैं वो नहीं खाया, बोल के वेटर से नहीं मंगाते दोबारा और एक बार ले लेके आओ ये डिश बोल के भाई। नहीं नहीं सुने थे, नहीं करे थे तो क्लास होने के बाद कम से कम 200 से पूछते थे। अभी क्लियर है नहीं है वो बता दीजिए पहले, टाइम खराब हो रहा पहले। हर एक स्टेप का जो है आपको अलग अलग करना है एस्टिमेट, सिंगल सिंगल लेना है सर। ठीक है सिंगल सिंगल स्टेप लेके करने का है। ठीक है चलिए बेटा, जोड़ने के लिए क्या बोले थे सर, लास्ट में तीनों स्टेप्स का जोड़ेंगे, जोड़ के आपको कुछ आंसर आएगा। 0.55 लेना है तो 0.6 ले लिए, टोटल क्वांटिटी में इसको 0.57 कर दीजिए। 57 जी सर। हाँ ज्यादा नहीं बढ़ा देना, थोड़ा सा 0.569 है ना, 569 के बाद क्या आता है 57 आता है, 0.57 आता है, 0.57 कर दीजिए जी सर। ठीक है चलिए जी सर, ये प्रॉब्लम हो गया, हम लोग आगे अब दूसरा प्रॉब्लम करेंगे। मैं अभी फिर आपको एक पिक शेयर कर रहा हूँ, हम वो प्रॉब्लम कर लेंगे। मैं भी शेयर कर रहा हूँ फोटो,
के स्टेप्स के लिए एस्टीमेट तैयार करिए, नीचे दिए गए स्टेप्स के लिए एस्टीमेट तैयार करिए, नीचे दिए गए स्टेप्स के लिए एस्टीमेट तैयार करिए। नीचे दिए गए स्टेप्स के लिए एस्टीमेट तैयार करिए। एबिट लिखिए इसके अंदर स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8 स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8 और स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए और स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए और स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए और स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। लेफ्ट में बेटा प्लान है और राइट में जो है सेक्शनल एलिवेशन है उसका, या एलिवेशन है। ड्राइंग देख के थोड़ा समझने की कोशिश करिए ये किस किस्म के स्टेप्स है और ये कहाँ पर आते घर में। जरूरी नहीं है हर घर में होना, बस कोशिश करिए समझने की ये कहाँ पर आएंगे अगर आए भी तो। बताइए कोई कहाँ पर आएंगे ज्यादातर तो इसको देखे हैं सर मस्जिद वगैरह में देखे हैं, साइड से तो बना रहता है स्टेप्स जी कॉर्नर में कुछ कॉर्नर पे जी सर कॉर्नर बोलते हैं इसको। कॉर्नर स्टेप्स ये इसलिए है रोड के जो दो साइड्स होते हैं ना 2.5 मीटर वाला और ये 2 मीटर वाला जो साइड है दोनों साइड यानी कोई मस्जिद है कोई एक ऐसी जगह है जो कॉर्नर पे है तो दोनों तरफ रोड से दोनों तरफ से चढ़ सकते ठीक है। और इससे पहले जो स्टेप्स थे ना उसमें क्या था बताइए आप। एक साइड से सर जा सकते थे ये जो स्टेप थी इसमें देखिए आप इसमें तीनों साइड से चढ़ सकते हैं आप लेफ्ट से राइट से सेंटर से। ये स्टेप्स देख के अंदाजा लगाइए कि किधर से चढ़ सकते हैं इसमें। तीनों साइड से चढ़ सकते हैं ना आप लेफ्ट से भी आ सकते हैं राइट से भी आ सकते हैं सेंटर से भी आ सकते हैं। और ये वाली स्टेप में बताइए आप सिर्फ सामने से कैसे चढ़ेंगे ये वाले स्टेप्स में वन फ्रंट से सिर्फ 1.5 या 1.8 वाले डायमेंशन के पास से आप चढ़ेंगे ऊपर। ये वाले स्टेप में तीनों साइड से चढ़ सकते हैं आप और ये वाले स्टेप में आप दोनों साइड से। तो टेबल बनाइए जब तक मैं आपको जो है कैलकुलेशन वाला शीट भेज दूंगा कैलकुलेशन वाली फोटो आपको भेज दूंगा मैं। टेबल बना लीजिए जब तक आप लोग टेबल और कॉलम रेडी कर लीजिए।
के लिए? यस सर। जी चलिए, पहला डिस्क्रिप्शन लिखिए, पहला डिस्क्रिप्शन लिखिए स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए, पहला डिस्क्रिप्शन लिखिए स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, स्टेप्स के फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, इसके अंदर एबिट लिखिए, इसके अंदर एबिट लिखिए, फ्रंट फेस करके एबिट लिखिए। ये कैलकुलेशन लिखना है बेटा अपने को, ये नीचे के कैलकुलेशन लिखना है, मैं पहले समझाऊंगा बाद में आप लोग लिखिए, पहले फ्रंट फेस करके लिखिए। वसीम आवाज आ रही है मेरी? जी सर। लड़का मैसेज किया है कि आवाज नहीं आ रही करी बेटा, जिसकी आवाज नहीं आ रही है निकल के जाने जो। चलिए फ्रंट फेस करके लिखिए, एबिट लिखिए फ्रंट फेस करके, और बीबिट लिखिए साइड फेस करके। कैलकुलेशन अपन लिखेंगे अंदर, पहले हेडिंग्स लिखा लो, डिस्क्रिप्शन लिखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी लिखिए, फ्रंट फेस एक लिखिए साइड फेस एक लिखिए, फ्रंट फेस करके लिखिए साइड फेस करके लिखिए, हम लोग कैलकुलेशन सभी लिखेंगे। चलो ड्राइंग के पास चले आ तुम्हें, अभी हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो 2 मीटर वाला जो फेस है ना, ये हमारा फ्रंट फेस है। या जो 2.5 है उसको फ्रंट फेस मान सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे देख लेंगे अपन एक बार। फ्रंट फेस में जो है, फ्रंट वाले फेस में जो है कौन से कैलकुलेशंस आ रहे अपने को, 2.5 वाला हिस्सा है, देखिए 2.5 वाला जो हिस्सा है उसको साइड फेस मानेंगे, और जो 2 मीटर वाला हिस्सा है ना उसको फ्रंट फेस मानेंगे। 2 मीटर वाला जो हिस्सा है उसको फ्रंट फेस मानेंगे, मैं फ्रंट फेस ही करता हूं आपको। ये हिस्सा है, आप लोग मीटिंग में रहिए, मैं भी अभी एक बार कॉल रिसीव कर लेता हूं, मैं आप लोग मीटिंग में रहिए। ये जो एल शेप की जो स्टेप है ना उसको हम 2 टुकड़ों में करेंगे चलेंगे, और ये साइड फेस का हिस्सा मान के चलेंगे इसको, ये हिस्से को साइड फेस बोलेंगे और ये वाले हिस्से को फ्रंट फेस बोलेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है आपको, ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही, 2 मीटर भी नजर आ रहा है आप लोगों को मेरे ख्याल से, तो अब आप मेरे को ये बताइए डॉटेड लाइन वाला जो हिस्सा है उसकी लेंथ क्या होगी, अगर ये ऑफसेट 0.15 है तो, बाहर अगर ये नोजिंग 0.15 है, ये टुकड़ा अगर 0.15 है ऑफसेट, ऑफसेट स्टेप्स के बाद अगर 0.15 का ऑफसेट अगर है तो लाइन की लेंथ कितनी होगी बताइए। 2.3 सर। 2.3, तो 2.3 यहां देख लीजिए, इधर है 2.3 नजर आ गया आप लोगों को? जी सर। अभी विड्थ बताइए, 0.95 वाली विड्थ कहां से लाएंगे? जीरो पॉइंट थ्री, 0.3 तीनों ऐड करेंगे सर, और फिर 0.1 जी, 0.3 और 0.3 जोड़ेंगे तो 0.9 आ जाएगा,
उसमें 0.15 जोड़ेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, 0.1 सर, 10 का 0.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको, सर 9.5, और एक स्टेप की डेप्थ कितनी है, 0.15 कैलकुलेशन, क्या आप जो कैलकुलेशन बताए सही है क्या, एक बार देख लो, जी सर 0.95 है सर, डेप्थ 0.15 है सर, जी फ्रंट फेस वाला जो हेडिंग लिखे थे ना, फ्रंट फेस में कैलकुलेशन लिख लो आप, 0.9 प्लस 0.15 माइनस 0.10 वाला कंप्लीट कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है आगे बढ़ेंगे, जी सर आगे बढ़िए सर, साइड फेस वाले में कैलकुलेशन देखेंगे पर अपने को, साइड फेस में जो है अपने को लेंथ होने का है, लेंथ कैसे लिखेंगे बोलो, टोटल, ये टोटल 2.5 में से, अच्छा 2.5 में से कितना हिस्सा गया कोई बता सकते हैं मेरे को, 0.9 टोटल 2.5 में से 0.9 चले गया माशाल्लाह, तो 2.5 में से 0.9 चले गया तो कितना बचा बेटा, सर 1.6, उसमें क्या जोड़ेंगे आप, यहाँ भी ऑप्शन है ना, 0.15 जोड़ेंगे माशाल्लाह, तो कितना हो जाएगा, 2.5 में से 0.9 घटाएंगे और 0.75 तो लेंथ हो गई, 1.75 लेंथ हो गई, विड्थ कहां से लाएंगे, 0.3 0.3 0.3 0.15 0.1 एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लो, क्या आप जो बताए वो कैलकुलेशन देख लो एक बार, कैसे 0.9 निकालना है फिर प्लस 0.1 ऐड करने का है, 0.15 ऐड करने का है, कितना आया, 1.75 है सर, 1.75 वो भी मालूम हो गया आप लोगों को माशाल्लाह, इस तरह से सॉल्व करके लिखना चाह रहे तो सॉल्व करके भी आप लिख सकते हो, आफ्ताब क्लास में है, अच्छा ये क्लास में कितने बच्चों को पहले से ऑटोकैड आता, इसको पहले से ऑर्डर कर रहा था अच्छे से, मेरे ख्याल से आफ्ताब थे लेकिन आफ्ताब की आवाज यारी मेरे, खबर रजा खान क्लोज करो बेटा, डिस्क्रिप्शन क्लोज करो, क्लोज करके सेकंड डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अपन, कर लीजिए सेकंड वाला लिखिए, स्टेप्स के लिए ब्रिक मैसनरी, 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 चलो बेटा उसके अंदर ए बिट लगाइए, ए बिट लगा के लिखिए,
चलिए ए बी लगा के लिखिए। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? अब ठीक है सर, सही है, सही है सर जी। ए बिट लगाइए, ए बिट लगा के लिखे, बॉटम स्टेप करके लिखे। ए बिट लगाइए, ए बिट लगा के बॉटम स्टेप लिखे। अभी क्या करना है अपने को, हर एक स्टेप का तो अलग निकालना ही निकालना है, उसमें भी फ्रंट अलग बैक अलग करना है अपने। फ्रंट अलग है और साइड अलग है, बैकबोर्ड में फ्रंट अलग है और साइड अलग है, ठीक है। जैसे मिडिल स्टेप टॉप स्टेप लिखा हुआ है देखिए, वैसे ही बॉटम स्टेप के लिए लिखे आप लोग। बॉटम स्टेप के नीचे कैलकुलेशन लिखेंगे अपन। चलिए बॉटम स्टेप के लिए लेंथ मालूम करना है अपने को, और बॉटम स्टेप के लिए विड्थ मालूम करना है, थिकनेस तो सबके लिए सेम रहती है। ये ड्राइंग देखे कोई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई बॉटम स्टेप के लिए हम लोग लेंथ क्या लेंगे, ड्राइंग देख कर बताइए। 0.5 बॉटम स्टेप के लिए क्या लेंथ होगी, बॉटम के लिए क्या लेंथ होगी? 2 मीटर था ना सर? 2 मीटर बॉटम स्टेप के लिए, 2 मीटर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए तो बॉटम स्टेप के लिए अगर लेंथ 2 मीटर है तो विड्थ बताइए कितना होगा। विड्थ सर 0.9। विड्थ 0.9 और डेप्थ? डेप्थ 0.1 सर। 0.15 सर जी। लिख लीजिए बॉटम स्टेप में नंबर्स 1, लेंथ 2 और डेप्थ 0.5। ये क्लियर है ना बेटा? चलिए बॉटम स्टेप में साइड जाएंगे, बॉटम स्टेप में फ्रंट वाली स्टेप करें, अब बॉटम स्टेप में साइड वाली जाएंगे। कर दो मशहूरी है फैलाई बाई दे से, होगा बेटा। चलिए ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, आप जो लिखा एक बार देख लो, आप एक नजर देख लीजिए आपके बता जी सर। सर ये कहाँ चले गए थे बेटा? नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। अच्छा अच्छा आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ मेरे को लगा बिल्कुल सो गए कहीं, दोपहर का खाना फुल खा लेके। काफी देर पुकारा आपको मैं, आप और लेट करते तो अटेंडेंस भी कैंसिल हो गई थी आपकी, अभी तो थे ना, फिर गायब हो गए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही तो मीटिंग में से निकल के फौरन ज्वाइन करना बेटा, अब इतनी देर के बाद ज्वाइन हो रही। बॉटम स्टेप के लिए बेटा फ्रंट और साइड दोनों हो गया, अब लिखिए मिडिल स्टेप, लिखिए मिडिल स्टेप लिखिए। मिडिल स्टेप में जो है ड्राइंग देख लेंगे, मिडिल स्टेप में बताइए कैसे करेंगे कैलकुलेशन। बॉटम स्टेप तो हो गया, मिडिल स्टेप के लिए बताइए 2 में से क्या माइनस करेंगे ताकि मिडिल स्टेप के लिए 2 में से 0.3 अगर आप माइनस करें तो आपको मिडिल स्टेप की लेंथ आ जाएगी, और मिडिल स्टेप की विड्थ 0.6। चलिए मिडिल स्टेप के लिए जो है साइड फेस में, मिडिल स्टेप के लिए साइड फेस में 2.5 में से आप क्या माइनस करेंगे? 0.9 सर। 0.9 माइनस करें तो क्या आएगा आपको, साइड मिडिल फेस का साइड वाला हिस्सा आएगा, साइड वाला हिस्सा आएगा। और विड्थ तो आप लोगों को मालूम है, तो एक बार चेक कर लो क्या आपके बताए हुए कैलकुलेशन सही है, क्या सही है तो कॉपी करिए उसको, बोले तो बताइए फिर मिडिल स्टेप लिख के करके कॉपी करिए कैलकुलेशन के साथ। नहीं सर।
ठीक है ना, सही ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग टॉप स्टेप लिखिए, टॉप स्टेप करके लगाइए वहां पे। स्टेप में जो है सो लेंथ क्या है, विड्थ क्या है बताइए टॉप स्टेप में। लेंथ सर 2 - 0 हो जाएगा इसमें 6 सर जी, माशाल्लाह। और वैसे साइड वाला कैलकुलेशन बता दीजिए। साइड फेस स्टेप वन सर वो 2.5 - 0.9 कर देंगे सर, 0.9 कर देंगे। चलिए माशाल्लाह, तो ये अपना स्टेप का हो गया है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। टोटल है इसका 0.9 जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नीचे दिए गए कंपाउंड वॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नीचे दिए गए कंपाउंड वॉल के लिए, नीचे दिए गए कंपाउंड वॉल के लिए एस्टिमेट तैयार करिए। नीचे दिए गए कंपाउंड वॉल के लिए एस्टिमेट तैयार करिए, नीचे दिए गए कंपाउंड वॉल के लिए एस्टिमेट तैयार करिए, नीचे दिए गए कंपाउंड वॉल के लिए एस्टिमेट तैयार करिए। एस्टिमेट तैयार करिए। ये भी देखिए इसके अंदर, एबिट लिखिए। फाउंडेशन के लिए सीमेंट कॉन्क्रीट, एबिट लिखिए। फाउंडेशन के लिए सीमेंट कॉन्क्रीट, फाउंडेशन के लिए सीमेंट कॉन्क्रीट। और बीबीट लिखिए, फुटिंग और वॉल के लिए, फुटिंग और वॉल के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। फुटिंग और वॉल के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। फुटिंग और वॉल के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। फुटिंग और वॉल के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। वॉल के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए। ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी मालूम करिए।
करेंगे? नो नो सर। कैसा बेटा सर है तो बोलो, इतने कॉलम्स कर लिए अपन। 23 आप बताइए बेटा, क्वांटिटी वाला कॉलम, 7 नंबर वाला कॉलम कैसा आएगा? 23 क्वांटिटी में जो 7 नंबर का जो कॉलम है, 2.9 का जो आंसर है वो कैसे आएगा बताइए आप, कैलकुलेशन समझाइए। 3 में 0.5 क्वांटिटी वाला कॉलम जो है उसमें जो आंसर है वो कैसे आएगा वो समझाइए आप। सर ब्रिक में जो 0.3 दिया हुआ ना सर, तब में जी उसी को सीमेंट कंक्रीट वाले में इंटू कर दें तो आ जाएगा। किसको किसको इंटू करेंगे बेटा, एक एक समझाओ आप मेरे को, किसको किसको इंटू करेंगे तो आएगा? क्वांटिटी कितनी है पहले मेरे को बताइए आप। 0.9 है ना, 0.9 कैसे आएगा वो बताइए। 35 फ्लोर नंबर 35 नंबर 35 क्वांटिटी वाला कॉलम में आंसर कैसे आएगा, 0.9 कैसे आएगा बताइए। सर ये साइड जो दिया 0.3 सर, उसका जो लेंथ है सर 0.6 सर इंटू कर देंगे। कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वो? कॉलम नंबर लिखे हुए ना, 1 सीरियल नंबर का है, 2 डिस्क्रिप्शन का है, 3 नंबर्स का है, 4 लेंथ का है, 5 विड्थ का है, 6 डेप्थ का है, 7 क्वांटिटी का है। 7 वाला जो कॉलम है yes, कौन कौन से कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे या प्लस करने पे आएगा वो बताइए। सर ये जो सर बॉटम वाला सर दिया है वो और सर सेकंड वाले सर दोनों को इंटू करने पे। नंबर बताइए ना मेरे को, बॉटम वाला सेकंड वाला कॉलम नंबर 5-6 को मल्टीप्लाई करे तो आता, 4-5 को मल्टीप्लाई करे तो आता, 3-5 को मल्टीप्लाई करे तो आता, किसको मल्टीप्लाई करना? 5-6 को सर। अच्छा करके देखो बेटा एक बार, क्या आंसर बताओ मेरे को। अस्मा परवीन है क्लास में? अस्मा परवीन नहीं हो, अस्मा परवीन है क्लास में? ले फिर आप सब बच्चे यही आंसर दे रहे हैं, सबको डांट रहा हूं मैं, तो कम से कम ये तो नहीं देते आप। सबके नोट्स करो मैं, आज जो है 3 नंबर की क्लास, क्या बोले सर, आज आप लोगों की 3 नंबर की क्लास की अटेंडेंस जाएगी। सबके नंबर नोट कर रहा हूँ मैं, जो जो आंसर नहीं दिए मेरे। नेमत फातिमा रोल नंबर 8, नेमत फातिमा रोल नंबर 8, जो जो क्लास में आंसर नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, अटेंडेंस जाएंगे बेटा 3 घंटे।